Hello friends, welcome to again our channel BDK Study, okay? आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल BDK Study में, okay? आज हम लोग FoxPro का पार्ट 3 पढ़ेंगे, okay? आज ट्यूटोरियल 3 होगा FoxPro का, जिसमें हम लोग एक टेबल को क्रिएट करने के लिए सीखेंगे, okay? कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, okay? यानी कि उसमें डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है वो आज हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि FoxPro में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। इससे पहले मैं कहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पे डेली FoxPro का एक ट्यूटोरियल आती है, ओके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको से कोई भी वीडियो मिस ना हो, ओके। तो चलिए, आज का टॉपिक है क्रिएट ए टेबल, यानी कि FoxPro में हम लोग एक टेबल को आज क्रिएट करेंगे, ओके। नंबर 1, क्रिएट ए टेबल ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के बारे में टेबल क्रिएट करना है, ओके। स्टूडेंट के रिकॉर्ड को उस टेबल में एंट्री करना है, ओके। तो उस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के टेबल क्रिएट करना है और उसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंट्री करना है, ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे में कि स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का क्लास होगा, स्टूडेंट का डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ होगा, स्टूडेंट कौन क्लास में पढ़ता है वो होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, यानी कि इसी तरह का पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस टेबल में एंट्री करेंगे। पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट से नाम का, और उसमें हम लोग स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को एंट्री करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ FoxPro में और उसमें देखता हूँ कि टेबल को कैसे डिजाइन करते हैं, ओके। तो चलिए, मैं FoxPro को ओपन करता हूँ। तो देखिए, हमारा FoxPro यहाँ पे है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। देख सकते हैं कि हमारा FoxPro जो है सो ओपन हो चुका है, ओके। देख सकते हैं कि हमारा FoxPro ओपन हो चुका है। अब हम लोग को टेबल क्रिएट करना है, ओके। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्रिएट कमांड का यूज करना पड़ता है, ओके। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ इंट्रोडक्शन में कि एक टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कमांड बॉक्स में लिखेंगे क्रिएट और टेबल का नाम लिखेंगे। तो टेबल का नाम हम लोग का स्टूडेंट है, यानी कि हम लोग स्टूडेंट पर टेबल बना रहे हैं, तो हम लोग का टेबल नाम स्टूडेंट होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, ओके। क्रिएट स्टूडेंट लिख कर आप जैसे ही इंटर मारेगा तो आपके सामने इस टाइप से बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आपको सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा, ओके, कि आप उस स्टूडेंट टेबल में आप क्या क्या रखना चाहते हैं, नाम रखेंगे कि रोल नंबर की, यानी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट के टेबल में आप रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा। तो सबसे पहले बॉक्स में हम लोग भरते हैं नाम, कि स्टूडेंट का नाम इंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नेम, ओके। नेम लिखने के बाद यहाँ पे टाइप आ रहा है, यानी कि टाइप में होता है कि आप किस डेटा टाइप में एंट्री करेंगे, यानी कि नाम है तो नाम, नंबर में तो एंट्री नहीं होगा, करेक्टर में एंट्री होगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लिया है करेक्टर, ओके। और फिर नेक्स्ट आइएगा तो यहाँ पे लिखा है विड्थ, यानी कि आप कितना बड़ा मैक्सिमम नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम कर देते हैं 60 वर्ड का, यानी कि 60 नंबर से ज्यादा तो किसी का नाम रहता नहीं है, और रहता है भी होगा तो बढ़ा देंगे इसको
इसे कोई दिक्कत नहीं है, ओके हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, ओके इसमें। अब इसमें हम लोग रखना चाहते हैं स्टूडेंट का क्लास की वो किस क्लास में पढ़ता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास, ओके। और क्लास हम लोग करैक्टर में देंगे कि नंबर में देंगे, तो हम लोग क्लास को करैक्टर में ही देंगे, ओके। तो यहाँ पे देता था मैं करैक्टर कर दे, ओके। और इसका भी तब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसे इसका विध हम लोग 50 रखते हैं, ओके। और फिर नेक्स्ट में आएंगे, ओके नेक्स्ट बॉक्स में। अब इसमें हम लोग रोल नंबर स्टूडेंट का रोल नंबर भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर लिखेंगे। और एक बात और, इसमें आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते, ओके। जैसे मैं रोल और स्पेस देके नंबर लिखना होगा, तो इसमें आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आप अंडर स्कोर का यूज करिए, ओके। और यहाँ पे लिखे नंबर, रोल नंबर, ओके। और रोल नंबर आपका करैक्टर होता है, रोल नंबर तो नंबर होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको नंबर सेलेक्ट करेंगे, डेटा टाइम में हम लोग इसको न्यूमेरिक सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा रोल नंबर एक नंबर होता है, ओके। और विड्थ भी इसका 10 ठीक है, ओके। फिर इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट का क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। तो यहाँ पे हम लोग DOB लिखेंगे, ओके डेट ऑफ बर्थ, ओके। और डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, करैक्टर ना, डेट ऑफ बर्थ करैक्टर भी नहीं होता है ना नंबर होता है, यानी कि डेट हम लोग को लिखने के लिए इसको डेटा टाइम डेट को सेलेक्ट करना होगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग डेट सेलेक्ट किए, ओके। और इसका विड्थ मैक्सिमम हम लोग इसका विड्थ आपने से ले लेता है, बाय डिफॉल्ट 8 ले लेगा, ओके। और फिर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे क्या सेक्शन की वो कौन सा सेक्शन में है, ओके। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सेक्शन लिखते हैं, ओके। और सेक्शन भी करैक्टर यानी कि ये भी, और यहाँ पे भी। चलिए हम लोग बस इतना ही डेटा को इंट्री करेंगे स्टूडेंट के लिए। आप चाहे तो इसमें और भी इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, मैंने जैसे मैं उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका मार्क्स, उसका कॉलेज नेम, यानी कि और भी आप इसमें चाहे तो जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसमें अभी इतना ही जोड़ा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हम लोग इसको ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके। ओके पर जैसे क्लिक किए हमारा एक टेबल बन गया, ओके। तो आज के वीडियो में यही बताया था कि हम लोग टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस टेबल में रिकॉर्ड को कैसे एंट्री करते हैं, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इस टेबल के में जो रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उसको कैसे एंट्री करेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।